दोस्तों, बाइबल में मत्ती 5:11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों से कहा है कि जब भी कोई इंसान तुम्हारी निंदा करे या तुम्हें सताए या तुम्हारा विरोध करे और तुम्हारे बारे में झूठ को फैलाए तो इसको आनंद की बात समझना, क्योंकि इससे तुम धन्य होंगे। दोस्तों, आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर मसीह लोगों का विरोध किया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बुरा कहा जाता है। लेकिन विरोध के समय भी मसीह विश्वासी हिम्मत नहीं हारते, विश्वास में खड़े रहकर नम्रता और प्यार दिखाते हुए सामना करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन मसीह विश्वासियों को बुराई के बदले भलाई करने के लिए कहता है, नफरत के बदले प्यार करने के लिए कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले साल अगस्त महीने में पाकिस्तान के पंजाब में मसीह विश्वासियों के घरों और चर्चों पर विरोधियों के द्वारा, यानी कि वहाँ की भीड़ के द्वारा हमला किया गया था, जिसकी कई खबरें और वीडियो क्लिप्स भी वहाँ से सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस घटना के 8 महीने बाद अब ऐसी ही एक और घटना पाकिस्तान से हमारे सामने आई है, जिसमें वहाँ पर 400-500 के करीब दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा मसीह लोगों के घरों पर हमला किया गया, जिसको लेकर वहाँ से कई वीडियो क्लिप्स और न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सरगोड़ा में मुजाहिद नाम की कॉलोनी में 2 मसीह विश्वासियों के घरों पर वहाँ की गुसाई भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन मसीह लोगों के द्वारा उनकी पुस्तक की निंदा की गई थी। इस हमले के बाद लगभग 450 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 25 के करीब लोगों को वहां की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आइए पहले मैं आपको इसकी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे वहाँ पर इतनी भारी संख्या में भीड़ के द्वारा 2 मसीह परिवार के घरों पर हमला किया गया। इससे यही पता चलता है कि धर्म के नाम पर लोग इंसानियत को भी भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मानने वाले इस बात को जानते हैं कि उनकी ओर से उनका परमेश्वर जवाब देगा। इसलिए आज मसीही लोग इतना विरोध सहकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी ओर से हमारा जीवित परमेश्वर बोलता है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन दोनों मसीह परिवारों की रक्षा करें और साथ ही पाकिस्तान में रह रहे हर एक मसीह विश्वासी को सुरक्षित रखकर अपना आप उनके द्वारा ऐसे सभी विरोधियों पर प्रकट करें, जिससे यह भी सच्चाई को जाने और धर्म की जंजीरों से छूट जाएं और उनकी आत्मिक आँखें भी खुल जाएँ। कृपया आप सभी भी इनके लिए प्रार्थना जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।